अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू द सेकंड वीडियो। हम एसपी फार्म हाउस एग्रीकल्चर फार्म एंड गोट फार्म पे ये वीडियो में एक वॉक कर लेते हैं जी और सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले शेड जो आपने बनाया है जी, ये मतलब जैसा आपने तो बताया कि खुद के दिमाग की उपज है जी, लेकिन फिर भी वीडियोस वगैरह कुछ देखे थे? सर मैंने कुछ नहीं देखा था, मेरे दिमाग में ये आया कि भाई गोट फार्मिंग करनी है, तो भाई इसमें ये बताया जाता था कि भाई नीचे इसमें गैस वगैरह बनती है। हाँ ठीक है, तो इसलिए इसको वेंटिलेशन वगैरह इसका ध्यान। मैं देख रहा हूँ कि ठंडी का भी पूरा इंतजाम है आपके पास जी, ये पर्दे गिरा देंगे तो एकदम गर्म हो जाएगा जी बिल्कुल। तो ये बहुत एक, और मैं जानना चाहता हूँ यहाँ की मिट्टी के बारे में। सर ये मिट्टी स्पेशली हमें है ना पक्का नहीं करवाने की वो सोची थी कि भाई पक्के से इनके जानवरों के पैर खराब हो जाते खराब होते हैं और जी, तो उस वजह से ना हमने अलग से स्पेशल मिट्टी डलवाई है। अच्छा, पर यहाँ की लोकल मिट्टी नहीं है ये? नहीं, लोकल ये साइड से वो होते हैं, ये जो ये राजस्थान के जो वो बोलते हैं ना था बालू टीले बालू जी, वो क्या कि हमारी बालू रहता है और बकरों का पलने का राजस्थान में मेन कारण अगर आप देखोगे ना तो ये एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंटली हेल्प करता, तो ये एक मिट्टी हो गई हमारी खेजड़ी का जो अपना जो हरी पत्ती बोलते हैं ये पूरा, ये हरी पत्ती का झाड़ है क्या? हाँ, जी हरी पत्ती का झाड़। क्या बात है, हम तो खुश नसीब है कि हरी पत्ती के झाड़ के नीचे खड़े। बिल्कुल बिल्कुल, आज बोलते हैं ना इसका कोई यूज नहीं था, आज कितना यूज हो गया इसका। बहुत यूजफुल सर, मैंने ये जो भी खेत हैं जितनी भी ये झाड़ हैं इनको बचा रखा है, मैंने एक भी पेड़ नहीं कटवाया इसी वजह से कि भाई एनवायरमेंट में कोई वो नहीं हो। ये कितनी बड़ी बात बोले भाई ने कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना कितना जरूरी है। सही है, तो एक वॉक कर लेते हम लोग और दिखा देंगे ओवरव्यू एक पूरा बच्चों का बकरियों का, लोगों को मजा आएगा। मेरे को लगता है कि फीडिंग के लिए आप बाहर लाते हो खाना खिलाने के लिए जी। बाड़ों की साइज देखो आप, आपने बहुत आगे का सोच के बनाया है समा जी। सर ये कुछ बच्चे हैं नए आए हुए हैं, ये 25 वाली ईद के लिए हैं। अभी से आप एक एक करके जमा कर रहे हो जी, कलर देख लो आप, एक एक दो दो करके जमा कर रहे हैं। ये अभी अगर कोई आता है ग्राहक तो दे देंगे जी, नहीं तो ये फिर तैयार ही होंगे। अभी अभी आसिम भाई प्लान भी है कि कुछ और गुजरी के बच्चे डालने का यहाँ पे, अच्छा मतलब अगली कुर्बानी के लिए बहुत अच्छा माल मिलेगा। बहुत अच्छा, इंशाल्लाह पूरे 100 बच्चे तैयार करो। टाइम के लिए हम सोच रहे हैं कि सोजत और गुजरी और सिरोही पे और एक 100 मैं जैसे गाड़ी बन के निकले यहाँ से, जब मजा आएगा। सही है, तो 25 वाली ईद के लिए टारगेट है कि 100 या अभी अगर बात करें तो क्या एक्सपेरिमेंट सेटअप ही था, फर्स्ट सीजन था, तो थोड़ा सीखने को मिल जाएगा भाई को जी। और इन्होंने मेरे से मतलब फार्म पे विजिट किया, सीखा, बताया, सब कुछ देखा है अपना जी। तो अगले सीजन के लिए मसाला बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है यहाँ पे और आपको अच्छा माल देखने को मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आइए आगे चलते हैं, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ फीडिंग के लिए। देखिए बाहर लेके आते हैं, बहुत अच्छे साइज में है। ये यहाँ के बच्चे हैं सर, यहाँ के होम ब्रीड के जी, होम ब्रीड। अरे वाह, ये देखिए आप होम ब्रीड के बच्चे, इनको अलग कर देते आप जी, जो इनके आप बकरियां हैं उनके बच्चे हैं, सोजत में बच्चे हैं, सोजत के बच्चे आए हुए अभी। क्या बात है, ये भी आगे के लिए तैयार करेंगे। अब तो जैसे शुरुआत है बता रहे हैं, कुछ इनमें से भी तैयार हो जाएंगे। हाँ जी, वो दो दांत पे आएंगे, फ्रेश दो दांत करे कुछ नहीं कर पाएंगे अगली जी, क्योंकि अभी अगर आप देखो अभी की ब्रीडिंग है तो। हाँ सही बात, 13 महीने के आसपास का समय निकलेगा अगली कुर्बानी तक। तो यहाँ कुछ बकरियां वो दिखा देता हूँ, ये इनकी होम ब्रीड की बकरियां हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो सेल करेंगे जी। सर कर देंगे सेल। और ये सब आपके पास, ये भी 8 महीने से ही है? हाँ जी, इसमें गाबन भी होंगी, कुछ बच्चे भी आए भी हैं, बच्चे दे रखे सर अभी, ये जाके अभी गाबिन हुई है, क्रॉस हुई है। ये भी शौक में रखे हो, 2 मेंढे जी, ये भी ट्राई कर रहे हैं कि कैसे क्या रहता है इनका रिजल्ट। बकरियां देख लो आप, सब गुजरी की अच्छी अच्छी बकरियां हैं। मुर्गे भी रखे हैं सर जी खाने के लिए। खाने के लिए मजाक कर रहा था। ये इनका भाई का ब्रीडर है। वाह बहुत बड़ा ब्रीडर है, इसका ही रिजल्ट आ रहा है अभी साहब जी। हाइट कितनी होगी इसकी? 42 प्लस ही है भाई। बहुत ज्यादा एक्टिव बच्चा है, 42 प्लस ही है और अभी
आई थिंक चार या छह दांत है ना, छह दांत भी करे हैं, बहुत आगे का फ्यूचर है इसका, चलेगा। तो जिसको भी बकरियां चाहिए मिल जाएंगी, ब्रीडर तो शायद नहीं बेचोगे, नहीं ब्रीडर नहीं देंगे है ना, वो तो अभी रखेंगे उसको, उसका फ्यूचर। ब्रीडर भी साल दो साल में चेंज करना पड़ता है, बाद में देंगे। ये स्टोर रूम है, पूरा अंदर स्टोक रहता है, जैसे हरी पत्ती का अपने द्वार का फूस हो गया, जैसे हरी पत्ती का स्टोक है भाई के पास, हरी पत्ती का है और चारे का पूरा स्टोक, चारा तो पूरा पूरा चारा है, साल भर का चारा है। तो जो हरी पत्ती फिल्टर करने की मशीन है सर, हमने खरगोश भी रख रखे हैं। क्या बात है, इनको बाहर छोड़ते हैं किसी अंदर शाम के टाइम छोड़ते हैं सर, फिर घूम के आ जाते हैं जी। रैबिट चले। और जो फार्मिंग की अगर बात करूं तो एग्रीकल्चर में क्या आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? सर हम सब कुछ जो भी है फार्मिंग में ये ऑर्गेनिक है। अच्छा, प्योर ऑर्गेनिक, मूंगफली वगैरह बाजरा गुआर जो यहाँ के एनवायरनमेंट में जो चलता है ना जी। और यहाँ पर पानी का क्या हिसाब है, मतलब पानी रहता है 12 महीने? पानी की तो थोड़ी सी यहाँ पे बताते हैं कि भाई देखा भी है थोड़ी कमी है जी, लेकिन अपने यहाँ नहीं है जी, अपने यहाँ 17-18 नोजल चल रहे हैं। क्या बात है जी, ये पूरी आपकी लैंड है जी। तो अभी कुछ भी उग नहीं रहा है ना जी? वाह, एसपी फार्म हाउस एग्रीकल्चर फार्म एंड गोट फार्म। मूंगफली ज्यादा उगा रहे हैं यहाँ पर जी, मूंगफली भी उगाते हैं। सही, और आपके डॉग्स भी बहुत डेंजरस हैं सर, वो गार्डनिंग के लिए तो डॉग रखने पड़ते हैं। सही है, तो यहाँ से पूरी लैंड है ना जी। तो अगर किसी को भी संपर्क करना हो तो आपका एक बार नंबर बता दें। 9050-96-2004 ये भाई का नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आके विजिट करें एक बार जी। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया देख के। बिल्कुल, ये हमारे बड़े भाई, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जब हरा 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 रहेगा ना, जब उस टाइम पे सीजन पे इस बार शूट होगा भाई, ताकि पूरे एग्रीकल्चर के बारे में बात कर सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू भाई, थैंक यू।